आप लोग को ये बताने वाला है। कहाँ चल रहे हैं भाई लोग? हम लोग चल रहे हैं विश्वनाथ टेम्पल। यहाँ पे दो विश्वनाथ टेम्पल है, एक BHU में पड़ेगा आपका और एक इधर पड़ेगा। एक BHU कैंपस में पड़ता है और एक ये जो फेमस है इंडिया मतलब ज्ञानवापी में, जो ज्ञानवापी का भी हम लोग का हो गया है, पहले उसमें मुस्लिम लोगों ने कब्जा कर रखा था ना, यही है ना। हाँ चलिए, आप लोग ब्लॉग में बने रहे, अगर ब्लॉग में नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। हम लोग निकल चुके हैं गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए गाइस हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो मेन द्वार है यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप लोग कैंट से आते हैं तो लगभग आपको 5.7 यानी 6 किलोमीटर दूरी पर यह है। इसके अंदर ही जो विश्वनाथ टेम्पल बना हुआ है, जो नया विश्वनाथ टेम्पल है, वो इसके अंदर सीधे एंट्री करके कुछ दूर पे ही मिलने वाला है। आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहे। और ये मेरे बगल में जो आप लोग देख रहे हैं ये सारा BHU चौराहा बोलते हैं। और ये सीधे जो रोड है वो वही रोड मेन गेट से निकल चुके हैं। पूरा ये जो आप लोग हम लोग के पीछे देख रहे हैं टोटल BHU कैंपस है। देखिए यहाँ पे आप लोग आते हैं तो बहुत अच्छा ही लगने वाला है। BHU कैंपस बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है ना, बहुत ही खूबसूरत। BHU कैंपस के अंदर आते हैं तो आप लोग नजारा है भाई, अरे बहुत अच्छा ही नजारा है, आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। हर जगह आप लोग को ये साइंस फैसिलिटीज, बायोलॉजी, हर चीज का अलग अलग हिंदू विश्वविद्यालय में आप लोग को दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। आज का मौसम का तो बात ही अलग है, बहुत ही अच्छा। अभी बारिश हो रहा था, अभी बारिश हो रहा था, अभी धूप उग गया, बहुत ही मजा आ रहा है। आ गए गाइस हम लोग, अभी यहाँ पे देख सकते हैं नो पार्किंग में, हम लोग यहाँ पार्किंग पार्किंग किए हैं और सब लोग आप लोग देख सकते हैं सारा पार्क इधर ही किया हुआ है। और बगल में आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट, आप लोगों को कॉफ़ी, हर कुछ व्यवस्था यहाँ पे मिलने वाला है, हर कुछ का यहाँ आप लोगों को सुविधा दिया हुआ है। वॉशरूम का भी है, आगे चल के आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो जितना दूरी सारा देख रहे हैं सारा पार्किंग है, सीधे आप लोग को लेके चलते हैं टेम्पल। माला कुछ भी लेना होगा तो बाहर में सब लगी रहती है मार्केट, वहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। प्रसाद भी आपको मिल जाएगा, फूल भी मिल जाएगा, माला भी मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा ही कैंपस है बाहर में, और आप किसी टाइम आते हैं तो आप लोग को बहुत ही एंजॉय होने वाला है। चलिए चलते हैं मंदिर। जस्ट गेट के बगल में ही जूता रक्षक मिलेगा, बहुत भारी मात्रा में आप लोग को जूता रखने के लिए, स्लीपर रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, आप लोग को स्लीपर और जूता, आप लोग बैग वगैरह भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बहुत भारी मात्रा में आप लोग को हर कुछ की व्यवस्था यहाँ पर देखने के लिए देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आउट ऑफ इंडिया के लोग भी यहाँ पे भर भर के मात्रा में आते रहते हैं। बहुत सारा भीड़ लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी मंदिर बंद है। मंदिर अगर खुलने का मैं टाइम बताऊं तो आप लोग को सुबह में 4 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है। अगर मैं फिर दोपहर से बताऊं तो आप लोग को 1 बजे से लेकर 9 बजे रात तक मंदिर खुला देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए आप लोग टाइमिंग का ध्यान देके मंदिर आएँ, बहुत ही यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। अगर आप बनारस आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि ये विश्वनाथ टेम्पल जो बनारस में दूसरा विश्वनाथ टेम्पल है, एक विश्वनाथ टेम्पल जो है वो पापी जो मेस घाट के बगल में है, वहाँ पर बहुत ही भीड़ लगता है। वहाँ पे तो आप लोग को कम से कम 2 घंटा दर्शन करने में लगता है, मगर इजीली यहाँ पर आप लोग दर्शन कर लेंगे। इसलिए आप लोग बनारस आए तो दोनों मंदिर जरूर घूमें। हेलो गाइस, मंदिर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर है, पीछे दिखाइए जरा, और इसके बगल में यहाँ पे पार्क भी है इस साइड में, चारों तरफ आपको पार्क ही पार्क देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, मंदिर के स्थान पे कपल्स बहुत ज्यादा ही आते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा, तो समझ में नहीं आता है। भर भर के चारों तरफ आपको कपल्स ही देखने के लिए मिल सकते हैं। आप लोगों को पूरा मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिखता भी होगा। कैंट आते हो, ट्रेन लेट हो गया है, कुछ भी लेट हो गया, आप लोग को रेस्ट करना है तो आप लोग यहाँ पे आके पार्क में निःशुल्क आप लोग रेस्ट वगैरह बहुत अच्छे से आराम वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे हर कुछ का आप लोगों को व्यवस्था देखने के लिए
मिल रहा है और बहुत ही सुंदर दृश्य मिल रहा है फ्रेंड्स। हम लोग तो आए हुए हैं, बहुत ही हम लोग को अच्छा लग रहा है। आप लोगों को वीडियो में कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों को कमेंट का मेरा इंतज़ार रहेगा। टाइम हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं लाइन में सारे लोग लगने के लिए रेडी हो गया है। लाइन में लग के अंदर जाना है हम लोगों को फ्रेंड्स, चलिए हम लोग लाइन में लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अंदर आ चुके हैं बहुत परिश्रम के बाद, क्योंकि टाइम से पहले हम लोग आ गए थे, आधा घंटा वेट करना पड़ा है। और देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बाहर में भी पार्किंग का व्यवस्था दिया गया था और यहाँ पे भी पार्किंग का आप लोग को भारी मात्रा में व्यवस्था देखने के लिए मिल सकता है। हर जगह आप लोग को पार्किंग, आप लोग आते हैं तो अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आने पर अलग ही वाइब्स मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है फ्रेंड्स। हमको तो यहाँ पर बहुत सुकून मिल रहा है। अगर आप लोग आते हैं यहाँ घूमते हैं तो वीडियो देखते हैं तो कमेंट करना ना भूलें आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। और आप लोग देख सकते हैं कहीं भी जगह खाली नहीं है, हर जगह कोई ना कोई, क्योंकि इतना ये सुकून मंदिर है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मंदिर का स्थापना का बात करूँ तो 1966 में ये मंदिर बन के रेडी हो गया था, जो अभी तक कुछ ना कुछ इसमें काम चलते रहता है। और आप देख सकते हैं कितना, वाह, बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स। आप देख रहे हो इसमें, इसी में कतार लग के लोग मंदिर में डायरेक्ट वहाँ एंट्री करते हैं और यहाँ पर जो जो श्रद्धालु आता है वो लोग बहुत ही सुकून महसूस करता है। आप लोग यहाँ पर बनारस में आते हो तो इस मंदिर में आना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही अच्छा इस मंदिर में आपको शांति सुकून मिलने वाला है। घूमते एक भैया मिल गए फ्रेंड्स, उनसे मैं बात करता हूँ। वो बनारस के हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है बनारसी इसके नाम से। चलिए उनसे मैं बात करता हूँ, आप लोग को मिलाता हूँ। कैसे हैं भैया? बढ़िया है भैया। आप लोग को बनारस में आके कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भैया। आपको इस मंदिर के बारे में कुछ, आपको कैसा यहाँ पे आके फील हो रहा है, मतलब आप कुछ बता सकते हैं? यहाँ का ऐसा लग रहा है कि जीवन का सारा सुख अगर आपको कहीं मिल सकता है तो वो बाबा विश्वनाथ के शरण में है। और कहीं नहीं आपको मिल सकता, आप दुनिया घूम लीजिए, जो आपको फील और जो आपको सुख मिलेगा वो यहीं आके मिलेगा। तो और एक और मंदिर है ना विश्वनाथ टेम्पल, वो कहाँ पे है स्थित? वो बाबा विश्वनाथ का जो मेन मंदिर है वो है गुदौलिया के पास, दशमेश घाट के कॉरिडोर से भी, वहाँ कॉरिडोर से रास्ता गेट नंबर 4 पे भैरव द्वार है उसका नाम। गेट नंबर 4 जस्ट मणिकर्णिका घाट के बगल में ही कॉरिडोर का नया द्वार बना, जिसको काल भैरव के नाम से जाना जाता है। आपका यूट्यूब चैनल क्या नाम है भैया? मेरा भी एक चलता है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तो मेरा यूट्यूब का और इंस्टाग्राम आईडी का नाम है बनारसी डॉट इस्क। भैया के चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा और इंस्टाग्राम चैनल पे भी जाके फॉलो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। भैया बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। नहीं लाए हो आप बाबा को दान करना चाहते हो तो आप इस QR कोड पे ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स हम लोग पूरा एक्सप्लोर करके आ गए हैं, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के ब्लॉग बस में इतना ही, अगर आप चैनल पर नहीं होंगे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। हम मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखिए फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, हम नए नए जगह के नए नए वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।